गाइस ये रहा एमडीएफ बोर्ड की सीट। हमारे पास कई प्रकार की हैं। देखो भाई ये थोड़ा पतला है और ये थोड़ा इससे भी मोटा है और ये सब इसी साइज़ के हैं, पतला वाला। ये देखो भाई ये भी मोटा है। तो हम गाइस हैवी वाला बनाने वाले हैं। तो ये देखो भाई हमारे पास है सीट, देखो भाई इसी से हम बनाएंगे। और ये कितना मोटा है देखो, 1.25 इंची लगभग है ये, ठीक है। और गाइस हमने पहले से ही इस सीट को हमने कटिंग कर लिया है कुछ भाग में। ये देखो भाई यहाँ पर ये कटिंग हो गया और हमने मार्क कर दिया कि इसको हमको काटना है और इसके अंदर में ये सब फिट करना है। तो चलो गाइस अब इसको हम इसको जल्दी से फिट करते हैं इसमें कटिंग करके। तो जैसे कि गाइस हमने इसका फ्रेम सेट कर दिया है फेविकोल लगा के बढ़िया से। देखो भाई ये फेविकोल लग गया है और बढ़िया से कटिंग करके लगा दिए हैं कि जोड़ मजबूत रहे। और गाइस स्क्रूप एक भी नहीं लगाए हैं, सब फेविकोल लगाए हैं भाई। इसको सपोर्ट देने के लिए इसको भी यहाँ पे लगा दिए, दो दो यहाँ पे पावर टाइप का लगा दिए हैं कि सपोर्ट रहे, इधर उधर हिले ना और बढ़िया से। और गाइस हमने इसको 90 डिग्री पे बढ़िया से सेट किया। ये जो बैटरी है देखो भाई, इधर इसको ऐसे चिपका दिए थे तो 90 डिग्री हो गया, इसको भी ऐसे ऊपर कर दिए और बढ़िया से सेट हो गया। अब गाइस मिलते हैं फिर 24 घंटे के बाद, तब तक हम घूमने जाएंगे। फाइनली गाइस हमारा ये सेटअप बनकर तैयार हो चुका है। इसका फ्रेम देखो भाई एकदम बढ़िया से पकड़ लिया है, फेविकोल जो हमने लगाया था इसका भी सिस्टम पकड़ लिया पूरा बढ़िया से। ये तो थोड़ा बहुत गर्दा है, अभी काम किया था उसी का गर्दा पड़ गया है, ठीक है। और ये पूरा पकड़ लिया। अब गाइस हमको इस पर सीटिंग लगाना है, जुगाड़ लगाना है। तो चलो गाइस अब उसको भी हम जुगाड़ लगा लेते हैं।
जैसे कि गाइस हमारा ये सिस्टम बनके रेडी हो चुका है। देखो भाई, ये है हमारा डीसी मोटर 775 का बूस्ट है और शाफ्ट भी है, हमने इसको यूज किया है। देखो भाई, ये देखो भाई यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। इसको काट के देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से भी काट लिया, यहाँ से भी काट लिया। देखो ये यूज है, ये भी 775 डीसी मोटर का शाफ्ट है। तो गाइस ये बूस्ट भी है, और गाइस ये पीवीसी सीट का हमने सीट बनाया, आपने देखा ही है। और ये गाइस पंखा का धुरा है, जो शाफ्ट बोलते हैं पंखा का, टेबल फैन जो होता है उसका शाफ्ट है। अब गाइस हमको जो इसमें ब्लेड लगाना है, इसमें हमको कटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। और जो हमने ये शाफ्ट लिया है, इसको भी हमको कटिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक होल करके हमको यहाँ पे एक बुश लगाना पड़ेगा। जैसे ये बुश है, यही लगाएंगे हम इस पर। जैसे इस पर एक बुश लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा देंगे। तो चलो गाइस, अब इसको हम जल्दी से सेट कर देते हैं। तो जैसे कि गाइस हमने इस शाफ्ट का कटिंग कर लिया है ब्लेड लगाने के लिए। देखो भाई, ये इसका कटिंग हो गया है और इधर इसका भी कटिंग कर दिया है। अब गाइस इसमें इसको सेट करना है, ऊपर भी इस पर सेट करना है हमको। तो भाई इसको हम सेट कर देते हैं अब। तो जैसे कि गाइस हमने इस पर बुश लगा दिया है, और एक एमडीएफ बोर्ड का सीट हमने और काट के और नीचे लगा दिया है कि थोड़ा ये मोटा हो जाए। और गाइस हमने नीचे से भी एक बुश लगा दिया है। देखो भाई, यहाँ ऊपर भी बुश लगा है और नीचे से भी बुश लगा दिए हैं, क्योंकि गाइस ये जो हमारा ये शाफ्ट है, ये देखो भाई, कि अगर हम इसमें ऐसे डाल दें, ये देखो भाई सीधे चल गए, ये ऐसे ना हिले, जैसे लेफ्ट राइट या आगे पीछे जैसे हिल रहा है। देखो भाई, ये थोड़ा बहुत हिल रहा है ना, ये हिले ना, इसलिए इसको हम मोटा कर दिए हैं और हमारा ऐसे चलेगा। तो भाई अब इसको हम इस पर सीट वगैरह लगा देते हैं और पूरा बढ़िया से सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे।
फाइनली गाइस हमारा ये छोटा सा मशीन बनके तैयार हो चुका है। हमने इस पे पूरा बढ़िया से स्क्रू से सेट कर दिया। देखो भाई स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। और गाइस देखो भाई ये हमारा जो मशीन है इसको हमने बनाया था पहले, आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, हमारे चैनल पे ही है। इसको हम ऑन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं बढ़िया से चलता है कि नहीं। चलो भाई इसको ऑन कर देते हैं। ये देखो भाई 1.2 वोल्ट है और चलो भाई इसको तेज करते हैं, देखते हैं चलता है भाई। देखो भाई ये हमारा 6 वोल्टेज पे चल गया 5 वोल्ट पे। देखो भाई ये वर्क कर रहा है हमारा बढ़िया से। तो अब गाइस इसको हम सबसे पहले ये जो हमारा पीवीसी सीट का कटिंग है इसको टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं काट लेता है कि नहीं ये। गाइस जैसे कि ये पीवीसी सीट हमारा एक काट दिया, देखो भाई अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिजाइन में सांप टाइप का काट के देखते हैं काटता है कि नहीं। जैसे गाइस ये देखो भाई ये डिजाइन में काट दिया, इसको एक काट दिया है, ठीक है। और गाइस ये हमारे पास ये देखो भाई ये पट्टी वाला वायरिंग वाला पाइप है, इसको काट के देखते हैं काटता है कि नहीं। जैसे कि गाइस ये देखो भाई इसको तो ऐसे के तैसी कर दिए हम इसके इससे काट के। तो गाइस अब हम सबसे पहले गाइस ये जो आप देख रहे हैं MDF बोर्ड का सीट है जो कि गाइस यही है जो हमने इस पे सीट पे सेट किया है उसी का ये सीट है टुकड़ा है। चलो गाइस इसको काट के देखते हैं ये काट लेता है कि नहीं। जैसे गाइस ये देखो भाई ये कट के एक हो गया, मतलब डबल हो गया, सॉरी ये कट के डबल हो चुका है। तो गाइस ये बढ़िया से वर्क कर रहा है, लेकिन गाइस हमको मोटर जो हमने लगाया है, और कैमरामैन इधर फोकस करो, गाइस जो हमने इसमें मोटर को सेट किया है 775 DC मोटर है, वो भी बायरिंग वाली है। गाइस उसका जो RPM है वो बहुत कम है, उसमें टॉर्क नहीं है। गाइस उसमें हम दूसरा मोटर सेट करने वाले हैं क्योंकि गाइस उसका RPM बढ़ जाएगा और टॉर्क भी बढ़ जाएगा तो बहुत बढ़िया से वर्क करेगा। तो चलो गाइस हमारा वीडियो यहीं तक है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।